जय हिंद दोस्तों दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉटपेड क्या होता है नॉटपेड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है दोस्तों जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपी कॉपी किस काम का आता है दोस्तों तो आप अपने नोट्स को बना करके उसे स्टोर करके रखे हुए रहते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है तो उसे फिर पढ़ लेते हैं उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का आपके पास नोट्स है तो उसे आप नॉटपेड में स्टोर करके रख सकते हैं अब कैसे पहचाना है जाए दोस्तों कि ये नॉटपेड का फाइल है नॉटपेड दोस्तों बेसिकली फाइल होता है फोल्डर और फाइल में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए आपको यहाँ पे जितने भी येलो कलर वाले फोल्डर्स दिख रहे हैं ये मैंने ऐसे पहले ही बता दिया कि फोल्डर्स को कैसे पहचाना जाता है तो येलो कलर्स वाले जितने भी आपको दिखाई देते हैं ये सारे के सारे फोल्डर्स होते हैं और इसको अच्छे से अगर पहचानना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ही आपको टाइप में दिख जाएगा फाइल फोल्डर इसका मतलब दोस्तों ये आपका फोल्डर है अब नाटपेड के फाइल को कैसे पहचानना है वो समझते हैं जैसे कि दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा होगा मैं इसे इस जूम करके दिखाता हूं ये जो होता है दोस्तों ये ये सारे फाइल्स एक ये जो फाइल्स मिनट जो होते हैं दोस्तों ये एक रूलर वाले कॉपी के जैसा होता है जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों एक रूलर वाले कॉपी की तरह लाइन खींचा हुआ है ये एक रूलर वाले कॉपी की तरह होगा इससे आपको देख के पहचान लेना है कि ये नाटपेड का फाइल है दूसरा तरीका दोस्तों इस पे राइट क्लिक करना है देन प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में आना है एकदम नीचे आएंगे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर आते हैं यहां पे आपको दिखाई देगा डॉट लिखा हुआ है तो जिस भी फाइल में डॉट लिखा रहा है यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये सारा का सारा फाइल्स नॉटपेड का फाइल होता है तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं कि नगपेड का फाइल को कैसे पहचाना जाएगा एक डॉट होना चाहिए दूसरा उसका जो लोगो होगा दोस्तों उसमें कुछ इस तरीके से रूलर वाले कॉपी की तरह लाइंस खींचे होने चाहिए तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये नॉटपेड का ही फाइल है अब सीखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से नोटपेड को ओपन किया जाता है नोटपेड को ओपन करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आपको क्या करना है की से विंडो को प्रेस करके रखना है देन आर को प्रेस करना है प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको टाइप कर लेना है नॉटपेड तो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ नोटपेड

और यहाँ पे यह आपको दिखाई दे रहा होगा विंडोज एक्सेसरीज लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है दोस्तों और फाइंड कर लेना है नॉटपेड यहाँ पे नॉटपेड देखिए शो हो रहा है नॉटपेड पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा अब ओपन होने के बाद क्या क्या चीजें यहाँ पे शो होती है वो समझते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे दोस्तों अनटाइटल्ड टाइटल जो लिखा है इसे कहा जाता है टाइटल बार उसके जस्ट नीचे आएंगे तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है मेन्यूज अब मेन्यूज बार में कौन कौन से आएंगे तो मेन्यूज बार में आ जाएंगे फाइल मेन्यू एडिट मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू ठीक है दोस्तों उसके जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी इस लाइन को कर्सर कहा जाता है ये हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है याद रखिएगा ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कर्सर और जहां पे हम लोग काम करेंगे बड़ा सा जो पेज दिखाई दे रहा है इस बड़े से पेज को वर्क स्पेस कहा जाता है और राइट साइड में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता ही है ये मिनिमाइज है मैक्सिमाइज है और क्लोज है एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं अपर साइड में जस्ट नीचे आते हैं तो, मेंनु, 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 मेंनु नीचे है, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाएगा कर्सर और इस पूरे पेज को कहा जाता है वर्क स्पेस पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है स्टेटस बार अब देखते हैं कि इसके अंदर काम कैसे किया जाता है दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल तो सबसे पहले फाइल को ही पढ़ते हैं फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है न्यू का न्यू का मतलब होता है दोस्तों एक नया पेज लेना तो नया पेज कैसे ले सकते हैं दोस्तों अगर मैं अभी न्यू पे क्लिक करता हूं तो कुछ भी ऑप्शंस नहीं आते हैं एक नया पेज भी नहीं आ रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसके लिए हमें क्या करना होगा कुछ टेक्स्ट को यहां पे लिखना होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे कोर्स विथ प्रभाती मैंने लिखा अब मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों सेव कर दूंगा तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है देन सेव पे क्लिक करना है सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल सेव होगा लेकिन दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन से लोकेशन पे आपको ये फाइल सेव करना है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फोल्डर दिख रहे होंगे अगर आप स्क्रीन पे ही चाहते हैं तो आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना होगा देखिए दोस्तों डेस्कटॉप पे ही क्लिक करना है आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे फाइल नेम डाल सकते हैं फाइल नेम में आप कुछ भी डाल दीजिए फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए नॉटपेड ही डाल देता हूं अब ये सेव हो चुका है सेव कर लेने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फाइल सेव हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको इससे पहले मिनिमाइज करना होगा मिनिमाइज कीजिए और यहां पर देखिए दोस्तों नॉटपेड का फाइल आपको शो हो रहा होगा वही सेम टेक्स्ट इसके अंदर होगा

तो इसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों सबसे पहले फिर से उसी फाइल को ओपन कर लेता हूं तो मैं यहां से क्या करता हूं इसे क्लोज कर लेता हूं और पेड़ को ये मैं फिर इसे से इसे ओपन करता हूं डबल क्लिक करके ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट लिखा हुआ और मैं न्यू विंडो लेना चाहता हूं तो क्या करूंगा फाइल पे क्लिक करूंगा देन न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा अब देखिए दोस्तों मेरे पास एक नया विंडो आ चुका है अब आप सोच कि मैंने इसे साइड कैसे किया तो देखिए दोस्तों ये नया विंडो आया तो इसके ऊपर आया होगा तो टाइटल बार पे इस टाइटल बार पे क्लिक करना है देन ड्रैग करना है तो ये साइड आ जाएगा ठीक है दोस्तों अब देख सकते हैं कि जब मैंने नया विंडो लिया तो नोट पेड का सेम वर्जन खुल गया है लेकिन यहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसे सेव करके रखा है दूसरे वाले में नहीं लिखा है तो ये नया एक विंडो ओपन हो जाएगा और भी अगर आप विंडो लेना चाहते हैं दोस्तों तो फाइल पे क्लिक कीजिए देन न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए एक नया विंडो आ जाएगा फिर से टाइटल बार पे क्लिक करके इस तरीके से ड्राइव कीजिए तो कुछ इस तरीके से आप न्यू विंडो ले सकते हैं और अगर इसे आप शॉर्टकट की से लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसके सामने आपको शॉर्टकट की भी मिल जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एन तो प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एन कंट्रोल शिफ्ट एन ये बहुत सारे विंडोज इसी तरीके से खुलते जाएगा जैसे कि मैं दोस्तों देखिए बहुत सारा मैं यहाँ पे खोल के रखा रखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप विंडोज को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं उम्मीद है कि दोस्तों समझ किस तरीके से आप विंडोज को इंसर्ट कर सकते हैं कि न्यू विंडो ले सकते हैं और अपने फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं फिलहाल के लिए मैं इन सारे विंडोज को भी फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूं तो ये मैंने क्लोज किया सारे विंडोज को एक विंडो और गया इसे भी मैं क्लोज कर देता हूं ये मैंने क्लोज किया एक और विंडो आज गया इसे मैं क्लोज कर देता हूं कितना विंडो मैंने इंसर्ट कर दिया था उसके बाद दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं ओपन ओपन क्या होता है दोस्तों तो ओपन से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं क्या होता है एग्जिस्टिंग फाइल इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपने पहले से सेव से करके रखा था फाइल को उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आप केवल नोटपैड की के ही फाइल को ओपन कर सकते हैं अदर फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है ड का कौन सा फाइल है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये गोलूक फोटोशॉप के नाम से ये अलग अलग फोल्डर यहाँ पे है लेकिन फाइल्स हमें ये सारे दिखाई दे रहे हैं जो की सारा का सारा नोटपेड का ही फाइल है तो नोटपेड के फाइल को ओपन करने के लिए दोस्तों किसी भी फाइल पे आप क्लिक कीजिए देन ओपन पे क्लिक कीजिए ये देखिए दोस्तों ओपन हो चुका है तो इस तरीके से आप किसी भी नोटपेड के फाइल को ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट की से करना है दोस्तों तो कंट्रोल ओ बहुत ही आसान है दोस्तों ओ फॉर ओपन

ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपने समझा होगा कि सेव कैसे किया जाता है लेकिन मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को लिखा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बस झारखंड लिख देता हूँ झारखंड ये मैंने झारखंड लिखा अब मैं अगर फिर से इसे सेव करता हूं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है सेव तो हो गया दोस्तों लेकिन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नहीं आया इससे पहले में जब सेव किया था तो वो पूछ रहा था कि किस लोकेशन में आपको सेव करना है लग रहा है भूल गया है नहीं दोस्तों भूला नहीं है ये हमारे उसी फाइल में सेव किया होगा जिसमें पहले से यह सेव था यानी कि दोस्तों मैंने नॉटपिड के नाम से इस फाइल का नाम दिया है और इस नॉटपिड में ही मेरा फाइल सेव हो चुका होगा अगर मैं इसे क्लोज करके आपको दिखाऊं तो मैं इसे ओपन करता हूं तो देखेंगे दोस्तों यहां पर नॉटपेड में पहले से ये सेव हो चुका है लेकिन डायलॉग बॉक्स नहीं आया तो डायलॉग बॉक्स कब आएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसे सेव करेंगे तब आएगा और अगर इसका ही डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर इसी फाइल का आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है देन सेव एस पे क्लिक करना है किस पे क्लिक करना है दोस्तों सेव एस तो पे क्लिक करना है तो सेव एस पे क्लिक कीजिएगा तो ये डुप्लीकेट

जो टैक्स नोटपेड में लिखा है वही सेम टैक्स पीसी में भी होगा बस इसी का मैं डुप्लीकेट कर लिया हूं तो याद रखिएगा दोस्तों सेवस का काम क्या है तो सेवस का काम किसी भी फाइल को डुप्लीकेट करने का में काम आता है तो याद रखना है दोस्तों सेवस का काम क्या है तो सेवस से आप किसी भी फाइल्स को डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन यहां पे मिलता है दोस्तों पेज सेटअप अच्छा एक और मैं बताना भूल गया यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे आप सेव अर्ज करना चाहते हैं शॉर्टकट की से तो कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज कर सकते हैं आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा आप देख लीजिए वहां पे तो मैं सारे का शॉर्टकट कीज भी बताते जा रहा हूँ ध्यान से करते जाइएगा लैब वक्त तो आपको साथ में मिल ही जाएगा कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दूसरा है दोस्तों पेज पेसडअप पेज सड़प क्या होता है तो दोस्तों जब भी आप कॉपी खरीदने जाते होंगे तो आपको अलग अलग पेज के साइज मिल जाते होंगे नॉर्मली जैसे कि आपको टेस्ट वाली कॉपी खरीदनी होती में पेज करना चाहते है पेज के साइज को सेट करना चाहते हैं तो यहां से सेट कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है दोस्तों पे सेटअप क्लिक कीजिएगा पेपर वाले ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों यहाँ पे साइज में लेटर शो हो रहा है और अलग अलग टाइप का यहाँ पे साइज दिया गया है और जनरली दोस्तों ए फोर साइज का यूज किया जाता है कौन से साइज का दोस्तों ए साइज का है ना तो यहाँ पे आप ए साइज चूज कर सकते हैं अलग अलग साइजेस भी दी गई है ए साइज कौन सा होता है मैं बता देता हूं अब जब आप जेरक्स करते होंगे या फिर किसी भी प्रिंट को निकलवाते होंगे जैसे कि आधार कार्ड का प्रिंट आप निकलवा लेते होंगे या फिर या फिर आप एडमिट कार्ड का अगर जेरक्स करवाते हैं या फिर प्रिंट निकलवाते हैं तो वो सारे का सारा ए साइज में ही निकाला जाता है दूसरा दोस्तों ओरियंटेशन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है में दो प्रकार के होते हैं एक होता है पॉर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप तब अपने पेज को पॉर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में रख सकते हैं तो अभी का पेज देखेंगे दोस्तों इसे कहा जाएगा पॉर्ट्रेट व्यू सीधी जब होती है तो इसे पॉर्ट्रेट व्यू कहा जाता है अब इसे लैंडस्केप में करना चाहे तो लैंडस्केप पे क्लिक कीजिए देखिए दोस्तों ये हो गया लैंडस्केप तो ये हो गई पॉर्ट्रेट व्यू देन ये हो गई लैंडस्केप व्यू ठीक है दोस्तों उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके से आप पे सेटअप को तो कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों ये फाइल पे क्लिक कीजिए नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है प्रिंट का तो प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा मेरे पास फिलहाल के लिए प्रिंटर नहीं है बस कंट्रोल पी का भी आप यूज कर सकते हैं इसका शॉर्टकट कीजिए दोस्तों उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो ये प्रिंट हो जाएगा और इसे सेव करना चाहे तो इसे पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव सेवर्स टाइप पीडीएफ लिखा है फाइल नेम पे कुछ भी डालिए अगर प्रिंटर नहीं है तो ये पीडीएफ में सेव होगा फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे फिर से पीसी टाइप करता हूं देन डेस्कटॉप पे क्लिक किया देन सेव पे क्लिक करूंगा अब यहाँ पे आप चेक कीजिए करेंगे तो देखेंगे यहां पे आपका पीडीएफ सेव हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप पीडीएफ को भी सेव कर सकते हैं आपकी नोट से भी पीडीएफ बन जाता है दोस्तों विंडो टेन में ये फीचर्स मिलते हैं विंडो सेवन में ये फीचर्स नहीं है दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों फाइल में आपने सीख लिया प्रिंट सीख लिया अब बार यह इसे एग्जिट करने की तो कर देते हैं इसे एग्जिट एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा नोटपिड का फर्स्ट चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है ये था फाइल मेन्यू ठीक है दोस्तों तो फाइल मेन्यू का मैं सारा का सारा लैपवर्क दे दूंगा आप इस सारे को कीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कॉल कीजिए मैं आपको कॉल पे सारा कुछ समझा दूंगा ऐसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको इसके अंदर ही समझा दो यानी कि कंप्यूटर में ही समझा दोस्तों मिलते हैं नॉटपेड के सेकंड क्लास में ये दो दिन में खत्म हो जाएगा दोस्तों कल कोशिश करूंगा कि ये नॉटपेड का चैप्टर को खत्म कर दिया जाए और इसमें कुछ नया सीखते हैं जय दोस्तों